साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की शानदार जानदार ट्रेडिंग में। और आइए साथियों, समझते हैं उन सरल चीजों को, जिन सरल चीजों को करके आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है साथियों, एक बहुत सरल सा काम करना होता है इस बिजनेस में, उस चीज को बोला जाता है डुप्लीकेशन। जैसा जैसा आपके अपलाइन इस बिजनेस में कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताया जाता है, लगातार आपको अपलाइन आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। तो साथियों, वो सिंपल सा डुप्लीकेशन का काम आपको करना है। तो ये डुप्लीकेशन को समझने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी आप लोग को बताता हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, मंकी सी मंकी डू। आपने सुना होगा, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। एक बार की बात है, क्या होता है ये इस स्टोरी से आपको समझने को मिलेगा कि डुप्लीकेशन क्या होता है और क्यों हमको इसमें डुप्लीकेशन का इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है, कैसे हमको डुप्लीकेशन यहाँ पे करना होता है चीजों का। ठीक है, आप सबने सुना होगा साथियों, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। एक बार की बात है, क्या होता है, एक बंदा टोपी बेचने का व्यवसाय करता था। तो वो टोपी बेचते बेचते जंगल के रास्ते से गुजरता है, बहुत थक चुका रहता है बेचारा, गर्मी के दिन रहते हैं, बहुत थक चुका रहता है। तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लेट जाता है। और वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे बंदर रहते हैं पेड़ में, तो उसकी जितनी भी सारी टोपियां रहती हैं, सारे बंदर उसकी टोपी को आके लेके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं बंदरों में, सॉरी, वहां पर क्या होता है कि ये जो टोपी वाला रहता है, एक टोपी अपने सिर में तकिया लेके सोया रहता है। तो ये क्या करता है, अपने दादाजी से सुना रहता है कि बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। तो ये एक टोपी को अपने निकाल के नीचे फेंकता है, जो सिर के नीचे तकिया रखता है उसको एक बार सिर में लगाता है, फिर नीचे फेंकता है। इसको देख के सारे बंदर वैसा ही करते हैं, अपने अपने सर से टोपियां निकाल करके नीचे फेंकते हैं। उसके बाद ये सारी टोपियों को समेटता है और निकल लेता है। तो साथियों, ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है कि करीब करीब 100-150 साल हो जाते हैं, 100-150 साल बाद इसका जो पोता रहता है, वो भी जनरेशन टू जनरेशन टोपी बेचने का ही बिजनेस करते रहते हैं, उसके साथ भी सेम टू सेम सारी घटना होती है 150 साल बाद। उसके बाद वो भी क्या करता है, अपने सिर से टोपी निकाल करके नीचे फेंकता है। लेकिन मजे की बात क्या है कि इस बार कोई भी बंदर अपने सिर से टोपी निकाल के नहीं फेंकता है, वो फिर से दोबारा टोपी उठाता है, फिर सिर में लगाता है, फिर नीचे फेंकता है। लेकिन दोबारा कोई भी बंदर उसको देख करके टोपी नीचे नहीं फेंकते, 3-4 बार वैसे उसको करते हो जाता है। अंत में क्या होता है कि इन बंदरों का जो सरदार रहता है, वो नीचे उतरता है, ताड़ से इसको एक झापड़ खींच के मारता है और बोलता है, बेटा तेरे दादाजी बस स्टोरी नहीं बताए थे तेरे को, हमारे दादाजी भी हमको स्टोरी बताए थे। तो साथियों, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का सार जो है, उस सार को समझिएगा, उस स्टोरी के सार को समझिएगा। इस बिजनेस में ज्यादातर लोगों की क्या समस्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ऑफ द वर्किंग ऑफ द अपलाइन एंड द डाउनलाइन। ज्यादातर लोगों की क्या समस्या है, जब वो शुरू में ज्वाइन करते हैं तो क्या सोचते हैं कि उनके बिजनेस को विकसित करने की जवाबदारी उनकी अपलाइन की है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, अपलाइन का फर्ज बनता है कि वो आपको सपोर्ट करे और अपलाइन आपको सपोर्ट करते भी है। और जब अपलाइन के सहयोग से टीम बन जाती है, तो वही व्यक्ति क्या सोचने लग जाता है कि अब मेरे बिजनेस को विकसित करने की जवाबदारी मेरे डाउनलाइन की है। मतलब शुरू में अपलाइन सपोर्ट करे और टीम बने, अपलाइन ने सपोर्ट किया, टीम बन गई, तो अब टीम जो बन गई है, डाउनलाइन में जो लोग आए हैं, अब वो डाउनलाइन के लोग काम करें। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस बिजनेस में यही है कि शुरू में अपलाइन, बाद में डाउनलाइन, और बीच में जो खुद हम काम करने का हमारा सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि साथियों इस बिजनेस में हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए, किसी और के नहीं, सही है कि नहीं। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग ये सोचते ही नहीं कि ये बिजनेस मेरा है,
और अगर ये सोचोगे ही नहीं, कोई भी आप में से कोई भी अगर ये कभी ऐसा सोचेगा नहीं कि ये मेरा बिजनेस है, तो आप बताइए आपको इस बिजनेस से पैसे कैसे आएंगे? क्योंकि बिजनेस अगर आपका रहेगा तो आपको पैसे आएंगे, और अगर बिजनेस दूसरे का है तो निश्चित तौर पर इससे किसी दूसरे को ही पैसा आएगा, आपको पैसे नहीं आने वाले। तो साथियों, इस समस्या से बाहर निकलें, इस समस्या से बाहर निकलें, अपलाइन के भरोसे ना बैठे रहें, डाउनलाइन के भरोसे ना बैठे रहें, अपने दम पे अपने फट से अपना बिजनेस डेवलप करने के बारे में सोचें, क्योंकि सपने आपके हैं तो उसको पूरा भी आपको ही करना होगा। किसी दूसरे के दम पे कभी भी आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के बारे में ना सोचें, और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप दूसरे के भरोसे बैठे रहें और पैसे ना कमा पाए। साथियों, सबसे बेसिक बात यह है, प्रॉब्लम को हर जगह आती है। आपको लगता है कि आपकी भी लाइफ वैसी है कि स्ट्रगल वाली है? स्ट्रगल को सक्सेस स्टोरी में बदलना है ना, तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। कोई नहीं सुनेगा आपका बोला, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको स्ट्रगल करके सक्सेस में तब्दील करोगे तभी जाकर सक्सेस। प्रॉब्लम को हर जगह आती है। आपको लगता है कि आपकी भी लाइफ वैसी है कि स्ट्रगल वाली है? स्ट्रगल डुप्लीकेशन है। अगर आप दिमाग लगाएंगे, इस स्टोरी को बताने का यही मतलब है कि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपके डाउनलाइन के लोग भी दिमाग लगाएंगे। अगर आप दिमाग लगाएंगे, जी हाँ साथियों, तो आपके डाउनलाइन के लोग भी दिमाग लगाएंगे। अगर आप ईमानदार से काम करेंगे तो आपके डाउनलाइन के लोग भी ईमानदार से अपने हिस्से का काम करेंगे। उनको बोलना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि लोग, साथियों, लोग जो हैं वो आपको मतलब आपके बोलने से काम नहीं करते हैं। साथियों, लोग जो हैं आपके बोलने से काम नहीं करते हैं, वो आपको देख के काम करते हैं। अभी मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है? लोग आपके बोलने से काम नहीं करते हैं, आप जो उनको ज्ञान दोगे उस ज्ञान से काम नहीं करते हैं लोग। आप उनको जो काम करके दिखाओगे उस काम के आधार पे लोग काम करते हैं, आपके बोलने से नहीं करते हैं लोग। ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं, आपके बोलने से कुछ भी नहीं करते हैं लोग, आपको जैसा देखते हैं लोग वैसा काम करते हैं। जस्ट ए मिनट साथियों, एक मिनट बस मेरे को टाइम देंगे, सिर्फ एक मिनट। थैंक यू वेरी मच साथियों, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आपके बोलने से लोग काम नहीं करते हैं, आप जैसा करते हैं वैसा लोग काम करके दिखाते हैं। एक तो छोटा सा एक्सरसाइज हम करते हैं, इससे आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूँ। सब लोग अपना ये वाला हाथ सामने लाएंगे, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मुंह पे हाथ रखना है यहाँ पर, फिर अब आपको अपने नाक को छूना है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। पहले मुंह पे हाथ रखिए, फिर नाक पे, फिर इधर वाला आंख बंद कीजिए, फिर इधर वाला आंख बंद कीजिए, फिर ये वाला कान पकड़िए, फिर ये वाला कान पकड़िए, उसके बाद आप माथे पे हाथ रखिए, माथे पे हाथ रखिए मैंने बोला और एकदम आराम से बोला मैंने, कोई जल्दी जल्दी नहीं बोला, लेकिन मैक्सिमम लोग का हाथ साथियों पीछे चेती की ओर गया होगा। क्या ये माथा है? नहीं। तो साथियों, आप जो बोल रहे हैं ना उसको नहीं करते हैं लोग, आप जो करते हुए दिख रहे हैं उसको लोग कॉपी करेंगे। तो यही है साथियों डुप्लीकेशन, यही है डुप्लीकेशन। आप जो करके दिखाएंगे लोग उसको करेंगे, आप जो बोलेंगे लोगों को वो कतई नहीं करेंगे लोग। तो साथियों, ये एक सरल सी बात है, जिस सरल सी सिंपल सी बात को हमको समझना बेहद जरूरी है। चलिए साथियों, फिर से हम स्क्रीन की ओर चलते हैं।
आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। ठीक है, इस व्यवसाय में सफल होने के लिए साथियों सफलता का सरल नियम, सरलता में ही सफलता है। इस व्यवसाय में सफल होने के लिए किसी एक क्षेत्र में 100% सुधार की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी एक चीज में आपको 100% परफेक्ट होना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 100 क्षेत्रों में 1% सुधार की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिन छोटी छोटी चीजों को अपने को थोड़ा 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 अपने अंदर सुधार लाना है। 100 अलग अलग चीजों में 1-1% भी आप सुधार करते हैं तो 100% आपके अंदर सुधार हो जाता है साथियों, और आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं छोटे छोटे सुधारों को करने के लिए जब हमारे अपलाइन हमको गाइड करते हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, चुपचाप ईमानदारी से हमारे अपलाइन जैसा हमको गाइड कर रहे हैं, जो हमारे सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन है जो पैसे कमा रहे हैं इस बिजनेस में, ठीक है, जो पैसे कमा रहे हैं। पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं वही तो पैसे कमाएंगे ना, बड़े पैसे। साथियों हमारे अपलाइन जो इस बिजनेस में बहुत सफलतापूर्वक लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो जब हमको गाइड करते हैं तो उन चीजों में हमको तत्काल प्रभाव से सुधार करने की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे सुधार हैं साथियों, जैसे कई लोग की सुबह लेट उठने की आदत रहती है, अपलाइन बताते हैं यार सुबह जल्दी उठ जाया करो, लेकिन हम सोचते हैं अरे अपलाइन को क्या पता है यार, मैं बहुत सारी चीजें हैं। अपलाइन बोलते हैं यार बुक पढ़ना चाहिए, हमको लगता है यार मेरे को बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। अपलाइन बोलते हैं यार ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, हम क्या सोचते हैं कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, ट्रेनिंग अटेंड करने की क्या जरूरत है। अपलाइन बोलते हैं यार लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो, हम सोचते हैं यार मेरे को लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो मतलब ऑलरेडी मेरे फोन में सबका नाम है, मेरे दिमाग में सबका नाम है, बहुत सारी चीजें। तो ऐसी छोटी 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 चीजें हैं साथियों जिन चीजों में हमको सुधार की आवश्यकता है। मुझे बताइए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इस व्यवसाय में सफल होने के लिए ऐसा कौन सा आपको विशेष योग्यता का आवश्यकता है? जैसे कि उदाहरण के लिए आपको अंतरिक्ष में रॉकेट पहुंचाने के लिए सीखने की जरूरत है, क्या ऐसे किसी विशेष आवश्यकता योग्यता की आवश्यकता है इस बिजनेस में? या आपको ये सीखना है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, आपको हवाई जहाज उड़ाने के लिए बनाने के लिए सीखना है, क्या ऐसे किसी योग्यता की आवश्यकता है इस बिजनेस में? बिल्कुल भी नहीं साथियों। तो इस व्यवसाय में सफल होने के लिए किसी भी एक क्षेत्र में 100% एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, बल्कि छोटे छोटे ऐसे चीजें हैं, 100 क्षेत्रों में कहने का मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें 1% मतलब बहुत थोड़े थोड़े सुधार की आवश्यकता है। इस बिजनेस में कोई भी आदमी ऐसा कोई बहुत बड़ा गलती नहीं कर डालता जिस वजह से फेल हो जाता है, मतलब इस बिजनेस में आप ऐसा कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं कर डालते कि आपने किसी का मर्डर कर दिया इसलिए आप अपराधी घोषित हो गए और आप फेल हो गए। इस बिजनेस में साथियों बहुत छोटी 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 गलतियां हैं जिन गलतियों को करने की वजह से हम असफल होते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को जब हमको सुधार करने की जरूरत होती है और हमको कोई गाइड करता है तो हम इन चीजों का रजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, मन ही मन बोल के नहीं, मन ही मन हम इन चीजों का विरोध करते हैं और सफल नहीं हो पाते। लेकिन साथियों सरलता में ही सफलता है। जो लोग बहुत साधारण लोग हैं, ये जो कारण, ये बात मैं आपको जो बता रहा हूं आप समझिए, यही कारण है, दिस इज द रीजन वाई सिंपल पीपल बिकम सक्सेसफुल एंड इंटेलिजेंट पीपल हैव टू वेट अंटिल दे डोंट एडजस्ट देमसेल्फ टू बिकम लाइक ए नॉर्मल पर्सन। यही कारण है साथियों, यही छोटे छोटे सुधार हम अपने अंदर कर नहीं पाते हैं, और इसीलिए इस बिजनेस में अति साधारण, बहुत ही कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोग, अति साधारण लोग इस बिजनेस में सफल होने लग जाते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं, लगातार पैसे कमाते हैं, लगातार सफल होते हैं। और कई सारे इंटेलिजेंट लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा योग्यता है, वो लोग भी तब तक सफल नहीं होते नजर आते जब तक कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपने आप को चेंज नहीं कर लेते और अपने अंदर इन छोटे छोटे चेंजेस को लाने नहीं लग जाते। और इसका उदाहरण है साथियों, कल ही मेरे पास ग्रुप में हमारा एक मैसेज आया था, ये
अनसुईया बन जा रहे मैडम है, केरा भाई बन जा रहे मैडम है, तिजमत बन जा रहे मैडम है, और इनका यूट्यूब में यह वीडियो भी किसी ने डाला हुआ है, बन जा रहे मैडम की टिगड़ी ने देश के लोगों को सिखा दिया कि अनपढ़ लोग, हाउसवाइफ लोग भी घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। साथियों इन मुझे याद है लास्ट टाइम एक बार मैंने ट्रेनिंग लिया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे एक मैडम ने, तिजमत भाई मैडम ने शायद बोला था कि मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ सर साहब, मैं क्या बोलूं। तो साथियों ऐसे लोग भी यहाँ पे आप सोचिए पैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं। और ये इनके कल का ही चेक का फोटो आया था ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे। तो साथियों ऐसे साधारण लोग यहाँ पे आप देखिए पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं अगर, तो उसके पीछे कारण क्या है। इनके अपलाइन जो इनको बोलते हैं ये एक ही चीज बोलते हैं, यस सर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं साथियों, सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, यस सर बोलने के बजाय बहुत सारा दिमाग लगाते हैं। तो साथियों बड़ा सरल है इस बिजनेस में सफल होना, इस बिजनेस में बड़ी आसानी से आप सफल हो सकते हैं, सरलता में ही सफलता है, याद रखिए साथियों सरलता में ही सफलता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सरल हो जाइए, आपको बदलना अगर कठिन होगा तो आप कभी भी इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि साथियों आप जैसे हैं वैसे ही रहते हुए अगर लाखों करोड़ों की इनकम की जा सकती थी तो आप पहले ही उस इनकम को अचीव कर चुके होते। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हुए अगर हम लाखों करोड़ों की इनकम कर सकते तो साथियों शायद पहले ही हम उस इनकम को अचीव कर चुके होते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो इनकम जो हम चाहते हैं जिंदगी में करना अगर वो नहीं कर पाए हैं, तो साथियों हमको बदलना सरल होना चाहिए ताकि हमारे अंदर जरूरी जो बदलाव है वो हमारे सीनियर हमारे सिस्टम के माध्यम से आ सके और साथियों हम बड़ी सफलता हासिल कर सकें। साथियों इस बदलाव की दिशा में सबसे पहला आपको जो काम करना है वो काम करना है कि डेली आप अपने अपलाइन को, जो आपके एक्टिव अपलाइन है जो लगातार सफलतापूर्वक इस बिजनेस को कर रहे हैं ठीक है, लगातार पैसे कमा रहे हैं, उनको आप डेली रिपोर्टिंग करना चालू कीजिए। डेली रिपोर्टिंग आप जब करेंगे तो आपको क्या बात करनी, ओल्ड बिजनेस की बात करनी है, दिन भर में आपने, अगर आप रात को बात कर रहे हैं उदाहरण की बात है, तो आज दिन भर में आपने क्या काम किया और कल दिन भर में आप क्या काम करने वाले हैं ठीक है। ओल्ड बिजनेस मतलब आज दिन भर में आपने क्या काम किया, या आप सुबह सुबह अगर बात करें तो कल दिन भर में आपने काम क्या किया, क्या दिन भर में आपने जो जो काम किया वो सब बताइए। और न्यू बिजनेस आज दिन भर में आप क्या करने वाले हैं ये बताइए, मतलब कल आपने जो किया और आज आप जो करने वाले हैं, या आप रात को बात करते हैं अपने अपलाइन से ठीक है, तो आज दिन भर में आपने क्या किया और कल दिन भर में क्या करने वाले, इसकी चर्चा जरूर कीजिए साथियों, जरूर कीजिए। क्योंकि अगर डेली बेसिस पे आप ऐसा करते हैं तो आपको वो स्ट्रेटेजी वो रणनीति मिलेगी, क्योंकि आप जानकारी देंगे तो आपके अपलाइन आपको गाइड कर पाएंगे क्या कर रहे हैं, जिसमें कहां कमी हो रही है, कहां सुधार की जरूरत है, और क्या करने वाले हैं उसमें क्या कमी नजर आ रही है आपके अपलाइन को और क्या सुधार करना है, वो स्ट्रेटेजी वो रणनीति आपके अपलाइन आपको बता पाएंगे। दूसरी चीज आपको ब्लेसिंग्स और रिमाइंडर दो चीजें मिलेंगी अपलाइन को, अगर आप बताएंगे ईमानदार से जो भी आप कर रहे हो उसको, तो आपके अपलाइन आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है अपलाइन खुश होंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, और आपको रिमाइंडर कराएंगे, आपको याद दिलाएंगे कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, क्यों आप इस बिजनेस में आए हैं। तो साथियों इसीलिए रिपोर्टिंग करने बोला जाता है। और अगर ये चीज नहीं होगा ना, अगर ये चीज नहीं होगा तो आप अपने ही मन के विचारों में उलझ के फंस जाएंगे। जी हाँ साथियों, अगर ये चीज नहीं होगा तो अपने ही विचारों में उलझ के आप फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं, इन विचारों का जाल इतना खतरनाक है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को अपना मेंटर अपना रोल मॉडल मान के अगर काम नहीं करेगा, अगर अपने किसी अपलाइन को रोल मॉडल अपना मेंटर अपना आदर्श मान के काम नहीं करेगा और उनसे ये रिपोर्टिंग का जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ इसको अगर फॉलो नहीं करेगा, तो बहुत ज्यादा संभावना है साथियों
कि वो अपनी उलझनों में उलझ के रह जाए। तो साथियों, सबसे पहला, सबसे सरल, सबसे आसान जो बदलाव हमको करना है वो क्या करना है, रिपोर्टिंग की आदत डालनी है। याद रखिए साथियों, सरलता में ही सफलता है, सरलता में ही सफलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए एक सरल सी बात है, कठिन काम हमसे होता नहीं। आज इस जूम मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि आपको साइंटिस्ट बनना है या आपको बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस सिंगर बनना है या कोई खिलाड़ी बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं ज्यादातर लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो इतने टैलेंटेड हो कि ये काम कर ले, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है नहीं बन सकते, यही सच्चाई है, क्योंकि ये सब काम कठिन है। तो साथियों, मैं जो बार बार कह रहा हूं, आप समझिएगा, सरलता में ही सफलता है, मैं जो बार बार कह रहा हूं, कठिन काम हमसे होता नहीं। खिलाड़ी बनना है, साइंटिस्ट बनना है या सिंगर बनना है या कोई भी आईएएस ऑफिसर बनना है, ये सब बहुत कठिन काम है। ये कठिन काम हमसे होता नहीं, सही है कि नहीं? ये कठिन काम, ये सारे जो भी काम है कठिन है, हमसे हो नहीं सकते। और साथियों, सरल काम हम करते नहीं, कठिन काम हमसे होता नहीं और सरल काम करने पे हम ध्यान नहीं देते। तो आप बताइए, बड़ी सफलता कैसे मिलेगी, सही है कि गलत है? तो साथियों, सरलता में ही सफलता है, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आज आपको बताई जा रही है। जिंदगी में साथियों, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको बड़ा, सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा और सबसे मतलब बड़ा सोचना पड़ेगा, तेज सोचना पड़ेगा और दूसरों से पहले सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, मतलब बड़ा सोचिए, तेज सोचिए और दूसरों से पहले सोचिए, क्योंकि सोच पर या विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। आप भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं साथियों। अगर कुछ लोग इस बिजनेस में आज 80 लाख 60 लाख 70 लाख 50 लाख कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा सोचना होगा, जल्दी सोच, तेज सोचना होगा और दूसरों से पहले सोचना होगा। आप अपना टाइम वेस्ट करते बैठे रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है? और साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। अब बड़ा सोच नहीं पाओगे यार तो बड़ा काम हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बड़ा सोचना जरूरी है, बड़ा सोचना जरूरी है और बड़ा सोचने के बाद फास्ट काम करना जरूरी है साथियों, तेज काम करना जरूरी है, दूसरों से आगे बढ़ करके सब चीजें करना जरूरी है, क्योंकि इससे साथियों आपका एक ब्रांड वैल्यू बनता है, इससे आपका एक ब्रांड वैल्यू बनता है, आपकी एक इमेज बनती है आपके पूरे टीम में, आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के बीच, और तब आपका बिजनेस बहुत 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 ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। तो साथियों, बड़ा सोचिए, तेज सोचिए, दूसरों से पहले सोचिए, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। और ये लाइन साथियों मेरी नहीं है, ये लाइन है इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े रोल मॉडल, जिनको आज पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं लोग, मिस्टर धीरूभाई अंबानी जी का। तो साथियों, सबसे पहला काम बड़ा सोचना चालू करना है। और साथियों, एक फॉर्मूला, मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जिस फॉर्मूले से आप अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो कौन कौन है जो जानना चाहता है इस फॉर्मूले को, कैसे सपनों को हकीकत में बदला जाता है, कौन कौन जानना चाहता है? जो जो लोग भी जानना चाहते हैं साथियों, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, मेरे दूसरे स्क्रीन में देख रहा हूं, आप सभी लोग इशारे से रिएक्ट करेंगे, वाओ ग्रेट, बहुत लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं, बहुत लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच। साथियों, देखिए कैसे सपने हकीकत में बदलते हैं, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे सपने क्या क्या हैं साथियों, कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, आइए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। हमारे सपने क्या क्या हैं, बड़े बड़े सपने हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरीके की ऑडी कार हो, ठीक है, इत्तेफाक से लाल कलर का ऑडी कार है,
यही कार हमारे पास है, ठीक है, ये हमारा सपना है। हमारे पास इस तरीके का एक सपनों का बंगला हो, ये बड़े बड़े सपने हम देखते हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में सारी खुशियां हो, कोई भी हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में कोई भी मेंबर दुखी ना रहे, सबके पास खुशियां ही खुशियां हो, ऐसा हम चाहते हैं। और इन बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए साथियों, आपको क्या काम करना है, इस बिजनेस में क्या काम करना है, डायमंड बनना है। डायमंड आप एकाएक नहीं बन जाओगे, डायमंड बनने का जो बड़ा ड्रीम है आपका, अगर बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो डायमंड बनना पड़ेगा। डायमंड आप एकाएक नहीं बन पाओगे, ये आपका बड़ा ड्रीम है। इस बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए साथियों, आपको इस बड़े ड्रीम को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने का, आपको 6 महीने का, स्टेप बाय स्टेप आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर मैं हमारी बात करूं तो हम हर महीने क्या करते हैं, अपनी इनकम का एक टारगेट लेके चलते हैं, और उस टारगेट को किसी भी कीमत पे अचीव करना है, मतलब करना है वाला एटीट्यूड रहता है, ठीक है। तो साथियों, आपके बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना होगा। ये एग्जैक्टली उसी तरीके की बात है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर आपको 5 बोरे चावल को खाने बोला जाएगा, आप नहीं खा पाएंगे, लेकिन अगर उस 5 बोरे चावल को आपको 5 साल में खाना होगा तो आप आराम से खा लेंगे। मतलब एक साथ आप कुछ बड़ा चीज को खत्म नहीं कर सकते, उसको आपको क्या करना पड़ता है, टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही आपके सपनों को अगर आप वाकई में पूरा करना चाहते हैं तो साथियों, आपको अपने सपनों को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, टारगेट्स में। जैसे कि अभी एक बेहतरीन टारगेट चल रहा है, मनाली टूर का टारगेट, आपने देखा साथियों, ढेर सारे लोग इसको अचीव कर रहे हैं, और अभी तो लाइन लगने वाली है। हम लोग भी इस टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हम टारगेट पे फोकस करके काम करते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली फोकस करना पड़ेगा। सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते हैं, सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए आपको अपने सपनों को टारगेट्स में तब्दील करना पड़ता है, छोटे छोटे टारगेट्स में। और उन छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करने के लिए भी आपको डेली फोकस करना पड़ता है। किस चीज पे, किस चीज पे फोकस करना पड़ता है साथियों, डेली रिजल्ट पे आपको फोकस करना पड़ता है। और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो आप समझिए, एक टाइम की क्लोजिंग में कम से कम एक पेयर सेल मुझे निकालना ही है, ये आपका रिजल्ट होना चाहिए। मिनिमम एक पेयर सेल इन बोथ क्लोजिंग, दोनों टाइम की क्लोजिंग में एक पेयर सेल कम से कम निकालना है, ये आपका फाइनल रिजल्ट होना ही चाहिए। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेली इस रिजल्ट पे फोकस करते हैं, दोनों टाइम के क्लोजिंग में एक पेयर सेल, कम से कम दोनों टाइम की क्लोजिंग में एक पेयर सेल, तो इससे क्या होगा, अगर आप इस पे डेली फोकस करेंगे तो डेली आपका कम से कम 1,000 रुपये का इनकम होगा। अगर आप ट्राइपॉड आईडी प्रमोट करते हैं तो साथियों, आपका अगर आप ट्राइपॉड आईडी प्रमोट करते हैं तो डेली 3,000 का इनकम होगा। अगर आप सिंगल आईडी प्रमोट करते हैं तो डेली आपका एक हजार रुपये का इनकम होगा, महीने का 30,000 का इनकम होगा। और अगर आप ट्राइपॉड आईडी बेचते हैं, ट्राइपॉड आईडी प्रमोट करते हैं, तो महीने का आपका साथियों 90,000 का इनकम होगा। तो साथियों, एक छोटी सी चीज पे डेली फोकस अगर आप करते हैं, एक छोटे से रिजल्ट पे, एक टाइम की क्लोजिंग में मात्र एक पेयर सेल, इस पे अगर आप फोकस करते हैं तो साथियों, आपका रिजल्ट होगा, अगर सिंगल आईडी पे आप काम करेंगे तो 30,000 रुपये महीना, और मल्टीपल आईडी पे अगर आप प्रमोट करते हैं तो 90,000 रुपये महीना। तो साथियों, आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट पे डेली फोकस करना पड़ेगा। जब आप रिजल्ट पे डेली फोकस करते हैं तो आपके टारगेट्स अचीव होने लग जाते हैं, और जब लगातार आपके टारगेट्स अचीव होने लग जाते हैं, जो भी आपको टारगेट मिलता है, बीच बीच में कंपटीशन नहीं है तो आप अपनी खुद की इनकम का टारगेट बनाइए। तो साथियों, जब आप डेली अपने टारगेट्स को अचीव करने लगते हैं तो फिर आपके बड़े बड़े सपने पूरे होने लग जाते हैं। तो साथियों, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को फॉलो करके आप अपने बड़े से बड़े ड्रीम को पूरा कर सकते हो। अगर आप वाकई में डायमंड बनना चाहते हो तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेली आपका सच में अगर लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा करने का सच में अगर इरादा है तो साथियों, डेली दोनों क्लोजिंग में कम से कम एक पेयर सेल आप भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो,
इसी से पता चलेगा कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता साथियों। आप हर दिन जो अच्छा काम करते हैं इसी से ही आपका भविष्य बनता है, और हर दिन अगर आप लापरवाही करके अपने दिन गंवाएंगे तो ये भी आपके भविष्य में तब्दील हो रहा है। तो ये है साथियों सिंपल 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 तरीका अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करने का। जी हाँ साथियों, ये है अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करने का सिंपल 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 सबसे सिंपल तरीका। ठीक है, सिर्फ एक बार हम इसको और समझने का प्रयास करेंगे, सिर्फ एक बार, और एकदम सरल सी बात है। आपके सपने हकीकत में कैसे बदलते हैं? आपके बड़े बड़े सपने हैं, हर कोई बड़े बड़े सपने देखता है, हर कोई चाहता है कि उसका ऑडी हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, बड़ा सा बंगला हो, ठीक है, परिवार में सारी खुशियां हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? डायमंड बनना पड़ेगा। डायमंड आप एक दो दिन में तो नहीं बन जाएंगे, एक दो महीने में तो नहीं बन जाएंगे। डायमंड बनने का या कोई भी आपका जो बड़ा ड्रीम है कहने का मतलब, उसको पूरा करने के लिए आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना होगा, और टारगेट्स इस तरीके के होते हैं जो आपका मंथली बेसिस पे कम से कम आपको सोचना चाहिए कि ये करना है मेरे को। और जो भी आपका टारगेट होता है उस टारगेट पे आपको डेली फोकस करना पड़ेगा, तब आपका वो टारगेट अचीव होता है। और डेली फोकस करने का मतलब होता है कि डेली आपका रिजल्ट क्या होगा ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम रिजल्ट की बात करें तो डीएमपीएल में एक टाइम की क्लोजिंग में कम से कम एक पेयर सेल जाना ही चाहिए मेरा, ये आपका मिनिमम एक टारगेट आपको लेके चलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डेली मिनिमम 1,000 का इनकम होगा, और ट्राइपॉड आईडी प्रमोट करेंगे तो डेली मिनिमम 3,000 का इनकम होगा। तो साथियों ये फॉर्मूला है, और साथियों अगर डेली आप इस रिजल्ट पे फोकस करते हैं, एक पेयर क्लोजिंग, दोनों टाइम की क्लोजिंग में एक पेयर सेल का, अगर आप इस रिजल्ट पे डेली फोकस करते हैं तो आपके जो भी टारगेट्स हैं वो टारगेट्स अचीव होने लग जाते हैं। और साथियों फाइनली आपका लगातार जब टारगेट अचीव होता है तो आपके बड़े से बड़े सपने को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है साथियों सफलता का। अगर आप डेली एक पेयर क्लोजिंग, दोनों टाइम के क्लोजिंग में आप एक पेयर सेल अगर निकालते हैं तो 100% श्योर है साथियों आपका बड़े से बड़ा सपना पूरा होने वाला है। सरलता में ही सफलता है, और एकदम सरल सी बात है, आपको अगर बड़े पैसे कमाने हैं तो फर्स्ट शिफ्ट की जो क्लोजिंग होता है साथियों इस पे विशेष 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 फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट की क्लोजिंग होती है आज जैसे रात के 12 बजे, आज रात के 12 बजे से कल सुबह 12 बजे तक, मतलब सुबह 12 बजे के पहले तक फर्स्ट शिफ्ट की क्लोजिंग होती है, और सेकंड शिफ्ट की जो क्लोजिंग होती है वो आप सबको पता है दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। साथियों हम में से ज्यादातर लोग सेकंड शिफ्ट की क्लोजिंग में बढ़िया सेल भेज लेते हैं, लेकिन फर्स्ट सेल की क्लोजिंग में हमारा सेल जो है वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह के 9 साढ़े 9 बज जाते हैं ट्रेनिंग खत्म होते तक, उसके बाद हमको रेडी वेडी होते तक 10-11 बज जाता है, 11 बजे के बाद आपको ई वॉलेट नहीं मिलेगा, तो सुबह का टाइम तो पूरा ऐसे ही निकल जाता है। तो साथियों अगर आप दोनों शिफ्ट की क्लोजिंग में फोकस करते हैं सेल भेजने पे, अगर पूरी ईमानदारी से आप सेकेंड शिफ्ट में जो भी आप सेल निकाल रहे हैं उसमें से कुछ सेल आप फर्स्ट शिफ्ट की क्लोजिंग में भेज करके दोनों टाइम की क्लोजिंग में अपना सेल भेजेंगे तो आपकी बड़ी इनकम हो सकती है साथियों। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक टाइम की क्लोजिंग में, अभी जो हमने बोला दोनों टाइम की क्लोजिंग में एक एक सेल, दोनों टाइम की क्लोजिंग में एक एक सेल, तो आपकी इनकम होगी रोज के 1,000 रुपए, महीने के 30,000 रुपए। लेकिन अगर दोनों टाइम की क्लोजिंग में भेजने के बजाय अगर सिर्फ सेकेंड शिफ्ट की क्लोजिंग में आप एक एक सेल भेज दोगे तो आपकी इनकम होगी, सिर्फ एक सेल भेजोगे तो 15,000 रुपए महीना। तो साथियों इस चीज पे आप विशेष ध्यान दें, फर्स्ट शिफ्ट का जो क्लोजिंग है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही सुबह घड़ी के कांटे में 12 बजे आपके पर डे की 6,000 का कैपिंग का जो ड्रीम है लाइफ में, इस बिजनेस में आपका एक आईडी पे एक दिन का 6,000 रुपए का जो इनकम है, उस आपके 6,000 रुपए के पर डे के इनकम का जो टारगेट है उसका 12 बज जाता है। तो साथियों फर्स्ट शिफ्ट की क्लोजिंग को लेके बहुत 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 ज्यादा सजग होने की जरूरत है, और साथियों पूरी ईमानदारी से
पूरी ईमानदारी से साथियों अपने हिस्से का जो काम है उस काम को कीजिए, और आज के हमारे इस सेशन के लिए क्लोजिंग में मैं बस आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, डेली मॉर्निंग में जो क्लोजिंग होता है, ठीक है साथियों, इस बिजनेस में आपको जो सफलता हासिल करना है, आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको ये सिंपल बेसिक चीजें, जिन चीजों पर आपको पूरी ईमानदारी से लगातार 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 काम करना है, लगातार, मैंने क्या बताया, कठिन काम हमसे होता नहीं और सरल काम करने पे हम ध्यान नहीं देते, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है साथियों। इस बिजनेस में सफल होना बहुत ही सरल है, सरलता में ही सफलता है। क्या क्या सरल काम करने हैं ध्यान दीजिएगा। पहला सबसे सरल काम, रोज सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग अटेंड करना। इसमें क्या कठिनाई है, कोई भी कठिनाई नहीं है साथियों, हर आदमी इस काम को कर सकता है, लेकिन दिक्कत वही है, कठिन काम हमसे होता नहीं और सरल काम करने पे हम ध्यान नहीं देते। सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग को लेकर के हम सीरियस नहीं रहते, हम अगर अटेंड कर रहे हैं तो हम ही अटेंड कर रहे हैं, हमारे टीम में हम प्रमोशन नहीं करते, सही है कि नहीं। तो साथियों रोज सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग हमको नियम से अटेंड करना चाहिए। दूसरा सरल काम क्या करना है, रोज कम से कम 5 से 7 लोगों को इस ट्रेनिंग से आप जो सीखते हैं, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए साथियों आपको काम करना जरूरी है। आपको साथियों अपने 5 से 7 लोगों को डेली शाम का मीटिंग, जो शाम को जो मीटिंग होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसका लिंक भेजना होता है। और साथियों तीसरा सरल सा काम क्या करना है, रोज शाम को 6 बजे जो प्रेजेंटेशन होता है उसको आपको अटेंड करना है, ताकि आप ये सीख सकें कि मतलब एक आप ये सीख सकें कि बिजनेस का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ सकें, प्लान को आप समझ सकें। बार बार अगर आप शाम को 6 बजे का सेमिनार अटेंड करेंगे तो साथियों आप इतने माहिर हो जाएंगे, इतने माहिर हो जाएंगे कि अगर मान लो आपके इन्विटेशन से कोई प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं कर रहा है तो पर्सनल लेवल पे आप उसको प्लान बता के ज्वाइन करा लेंगे, ठीक है साथियों। चौथा सरल सा काम क्या करना है, चौथा सरल सा काम, जो व्यक्ति जानकारी ले चुका है, अगर आपका गेस्ट है तो आपको उससे, उसको अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस में बात करानी है, फॉलो अप कराना है। क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग ये छोटी सी गलती करते हैं कि प्लान तो दिखा देते हैं लेकिन उससे दोबारा कोई बात ही नहीं कराते हैं अपने सीनियर से। आप बताइए आप इस बिजनेस में क्या किसी से बात किए बिना ज्वाइन कर लिए प्लान देखने के बाद, नहीं ना। तो आपके जो गेस्ट हैं उनको भी आपसे बात करानी, आपको अपने सीनियर से बात करानी पड़ेगी तभी वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रोज अपना व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करें, पोस्टर डालें जो आपको बताया जाता है। तो साथियों जो भी एसोसिएट रोज इन कामों को 100% ईमानदारी से करेगा वो 100% गारंटी है कि इनकम करेगा ही करेगा, क्योंकि साथियों DMPL है तो सब आसान है। इस सरल मतलब इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को जो आसानी DMPL ने दिया है, जिस इस कॉन्सेप्ट को DMPL ने जितना आसान बना दिया है साथियों, ये बिजनेस इतना आसान कभी भी नहीं था, इसके पहले आज तक कभी नहीं था। इसके पहले साथियों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बड़ा कठिन हुआ करता था, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत 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 कठिन हुआ करता था, लेकिन DMPL की वजह से साथियों ये बिजनेस बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। और आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरी गुजारिश है, सादर निवेदन है कि साथियों ये जो 5 सरल से काम है, अगर आप DMPL में सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस में DMPL में सफल होने के लिए ये 5 काम आप रोज करें, रोज करें, रोज करें, लगातार करें। इन 5 कामों में बिल्कुल भी आप भांजी ना मारें, गैप ना करें। पहला काम सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग अटेंड करना, दूसरा काम रोज 5 से 7 लोगों को शाम को 6 बजे का लिंक शेयर करना, तीसरा काम रोज शाम को 6 बजे का खुद भी मीटिंग अटेंड करना, चौथा काम जो जानकारी ले चुका है उससे अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस में बात कराना, और पांचवा काम रोज अपना व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करना। अगर पूरी ईमानदारी से इन कामों को आप करेंगे साथियों
तो निश्चित तौर पे आप इस बिजनेस में बहुत 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 ही ज्यादा सफल होने वाले हैं, बहुत बड़ी इनकम की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि सरलता में ही सफलता है। हम कठिन काम कर नहीं पाते और ये जो सरल सरल काम है, इन सरल सरल कामों को करने पे ध्यान नहीं देते। तो साथियों, सिस्टम का सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट द सिस्टम एंड टेक द हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का सम्मान कीजिए और इस सिस्टम का हाईएस्ट 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 बेनिफिट लीजिए। तो साथियों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, अनुभव का तो भंडार है मेरे पास, लेकिन करें क्या, समय की बात देता है, टाइम की जो लिमिटेशन है वो अलाउ नहीं करता कि और टाइम ले पाए। सो थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच आज का शानदार शाम का जो मीटिंग है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी के माध्यम से होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है। साथियों, उसका 100% फायदा लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करें, आज शाम के प्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। और साथियों, इनविटेशन कैसे करना है इसको समझने के लिए, YouTube में हमारी कंपनी के DMPL कंपनी के ऑफिशियल चैनल में एक शानदार इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र है, कैसा रहेगा फॉर्मूला का वीडियो, जिस वीडियो की मदद से आप स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ को, जॉब पर्सन को, बिजनेस पर्सन को, सभी प्रकार के पर्सन्स को, सभी प्रकार के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आपने ईमानदारी से देख लिया, ईमानदारी से समझ लिया, ईमानदारी से इसमें जो बातें बताई गई हैं उसको इंप्लीमेंट कर लिया, आपके इनविटेशन से 100% लोग प्लान देखना चालू कर देंगे। लेकिन दिक्कत वहीं पर है साथियों, कठिन काम हमसे होता नहीं और सरल सा काम है वीडियो देख के नोट कर लें, चीजों को सीख लें, समझ लें, दिमाग में बिठा लें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार वीडियो देख करके समझ लें। लगभग आधे घंटे का वीडियो है साथियों, अगर ईमानदार से आप इस वीडियो को देख के समझ लोगे तो साथियों 100% श्योर है आप इनोवेशन में इतने बड़े माहिर खिलाड़ी हो जाओगे कि साथियों जिससे आप बात करोगे वो आपका प्लान देखेगा, जिससे आप बात करोगे वो आपका प्लान देखेगा। इसी तरीके से फॉलोअप का भी वीडियो है, जिससे उस फॉलोअप वीडियो को देख करके अगर आपने साथियों ईमानदारी से चीजों को, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया और इंप्लीमेंट करने लग गए, 100% श्योर है साथियों आप जिसका फॉलोअप करोगे, जिससे बात करोगे वो इस बिजनेस में कन्विंस होगा आपके साथ ज्वाइन करने के लिए और ज्वाइन करेगा। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी वहीं पर है कि कठिन काम हमसे होता नहीं, ठीक है, साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर है ना, सिंगर, प्लेयर, बड़े खिलाड़ी ये सब बन नहीं सकते, और सरल जो ये काम हमको मिला है इसमें इन सिंपल बेसिक चीजों को करने पे हम ध्यान नहीं देते, हम इन सरल चीजों को इतने हल्के में ले लेते हैं, हमको लगता है ये सब तो अपने आप हो जाएगा। तो साथियों, बिजनेस उसी का मस्त है जो इन सारी चीजों को करने में व्यस्त है, बिजनेस उसी का मस्त है जो इन सारी चीजों को करने में मस्त है, और जो वो व्यक्ति बुरी तरह से त्रस्त है जो कुछ किए बिना ही चमत्कार होने की बीमारी से त्रस्त है। सो साथियों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आप सभी के उज्जवल भविष्य और हार्दिक अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ। साथियों, आज की मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत सारी चीजें थी आज मेरे पास बताने के लिए, लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से उन चीजों को मैं नहीं बता पाया। और मुलाकात करेंगे, कोशिश करते हैं कल इस ट्रेनिंग को एक बार और कंटिन्यू करें, और कुछ अच्छी चीजें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बता सकूं जो रह गई है। एक बात याद रखिएगा, रोज काम करके बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस बिजनेस का मेन काम है लोगों को प्लान दिखाना, लोगों का फॉलोअप करना और सेल क्लोजिंग करना। इन चीजों पे डेली फोकस कीजिए, क्योंकि
भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता है, हर दिन जो आप अच्छा काम करते हैं उसी से आपका भविष्य बनता है। और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपका लाइफ जो है, योर लाइफ इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड, आपका जिंदगी जो है पूरी दुनिया को एक मैसेज है, और आपका लाइफ जो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है, संदेश बनना चाहिए, साबित होना चाहिए। आपको सुनिश्चित करना है कि ये संदेश आपके जीवन से, आप जो संदेश देंगे लोगों को, आपका जो जिंदगी है, क्योंकि हर किसी के साथ ये जिंदगी पैदा होना कंफर्म है और हर किसी का मरना कंफर्म है, और इन दोनों के बीच जो हमको टाइम मिला हुआ है यही हमारी जिंदगी है, और आपकी जिंदगी इस दुनिया के लिए एक संदेश बनती है आपके जाने के बाद। सो मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग, ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका ये जो जीवन है ये लोगों को आपके बाद इंस्पायर करने का काम करे। तो साथियों मेरे तरफ से बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी गंभीरता से और इतनी तन्मयता से आज के इस पूरे के पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।